राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर की पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसमें मारपीट और गाली गलौज से जुड़े मामले में बिना जांच के ही पुलिस ने 6 साल के बच्चे पर केस दर्ज कर डाला। अब पुलिस उसे अपनी गलती मानकर बाल न्यायालय में केस खत्म करने की बात कर रही है। नियमानुसार 12 वर्ष तक के बच्चे के खिलाफ कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं दर्ज किया जा सकता। बावजूद इसके 323 और धारा 294 के तहत ढकोर गांव के 6 वर्षीय बच्चे पर 2 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एक दिन पहले गांव के 2 बच्चे खजूर तोड़ने गए थे, तभी वहां एक 6 साल के बच्चे जिस पर केस दर्ज हुआ, खजूर तोड़ने के लिए पत्थर फेंका, वो दूसरी ओर खड़े एक अन्य बच्चे के सिर पर जा गिरा। उसे परिजन थाने लेकर पहुंचे और उन्हीं की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बच्चे के परिजनों ने बताया कि आरोपी 6 साल से ऊपर का है। बच्चे का मेडिकल भी कराया गया और चोट के आधार पर केस दर्ज किया गया है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। खजूरे खा रहे थे, खजूरे में राम जाने किन्ने मारी किन्ने मारी, छोरे की रिपोर्ट डालनी। अच्छा, रिपोर्ट डालने के बाद में वो जो पुलिस वाले हैं बोल रहे हैं मैं सब 3 बार आ गया हूँ, जिसके बाद में मेरे इससे खर्च हो गया, उससे खर्च हो गया 4,000 रुपये की व्यवस्था करना है। जब छोरे से मैं जुगाड़ पानी में कर दूंगा, मैंने इससे जमानत। रिपोर्ट किसने डाली सर? रिपोर्ट का मालूम नहीं किन्ने डाली, उन पर्वत ने डाली है। पैसा किसने मांगा है? शायद पुलिस वाले ने मांगा। कितने रुपए मांगे? 4,000 मांगे। और अच्छा, 4,000 रुपए मांगे। हाँ, किस बात के? छोरे के रफा करके समाप्ति कर देंगे इसलिए। अच्छा, रफा दफा करने के लिए। हाँ। आज ही मेरे संज्ञान में आया है ये मामला। ढकोरा गांव की एक महिला अपने 6 साल के बच्चे को लेकर थाने पर रिपोर्ट करने आए थे और बताया था कि इससे बड़े बच्चे ने इसको मारपीट की है। उस पर से मारपीट का अपराध पंजीबद्ध हुए थे। आज संज्ञान में आया कि वो मारपीट करने वाला भी बच्चे 6 वर्ष का है, तो उसमें उसको मारपीट वगैरह बुलवाई है और अगर वो 6 साल का निकला तो उसको खात्मा काटने को जाएगा। क्या खात्मा हो, किस तरह से होगा सर इसका? ये 12 वर्ष से कम है इसलिए उस मामले में खात्मा काटेगा। अच्छा, अच्छा सर, ये जो मामला दर्ज कराने जो आया था उस बच्चे की उम्र कितने साल की? 6 वर्ष। दोनों की बच्चे की 6 वर्ष है, आरोपी बच्चे की भी है? हाँ, फरियादी ने ये नहीं बताया था कि सामने वाला की उम्र क्या है, उसने बताया था कि इससे बहुत बड़ा है, इस कारण से वो